चत को मैण एक ही बैठ चेली का सुर पराण मैत फूल खाज दी टोली आली रंगीलो लागी को छो चैत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलम्बूरा व्लॉग। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम शूटिंग दिस व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, इट्स 7:30 AM और आज है फुल डे। हैप्पी फुल डे टू एवरीवन। आई एम सो मच एक्साइटेड। आज घर की दहलीज पे फूलों से मतलब फूल 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 किए जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे। स्टे ट्यून। तो अब मैं जल्दी से नहाने जाती हूँ। मैं जस्ट सो के उठी और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो मैं जल्दी से नहा के आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। और ये सुबह सुबह की मॉर्निंग वाली धूप। रेडी हो चुकी हूँ और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल डे की प्रेपरेशन। और यहाँ पे हो रहा है मेरा पिंपल। तो क्योंकि आज त्यौहार है इसीलिए मम्मी ने खाने में बनाया है आलू की सब्जी और पूरी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फूल डे की प्रेपरेशन, जिसमें हम लोग फूल तोड़ने स्टार्ट करेंगे। मतलब फूलों को छोटे छोटे उसमें हम लोग पार्ट्स में डाल देंगे। पैसे देंगी। गांव में ऐसा होता है कि सब लोग बच्चे अक्षत मिलते हैं और फिर उसकी शाम को आके खीर बनाई जाती है, बट मैं अकेली हूँ तो मिलेंगे नहीं जिससे मैं खीर बनाऊँ। तो फिर थोड़े से मिलेंगे और थोड़े से पैसे मिलेंगे। लेट्स गो। जादू का देला कुंदू का सही बुरा से फूली ऊंची रानी फूली पिरुड़ी आड़ू खुमानी बुरा से फूली ऊंची रानी पहले त्यार पंची में के आलो लागलो चैत फागुन जालो करी। हमारे उत्तराखंड में ऐसे फुल डे सेलिब्रेट की जाती है। मैं ऑफिस की रेडी वैसे हो चुकी हूँ और अब जल्दी से मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए, क्योंकि पहले मुझे कॉलेज जाना है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। जल्दी से करती है ब्रेकफास्ट और फिर मैं मिलती हूँ आपसे उसके बाद। गाइस, मैं अब ऑफिस से आ चुकी हूँ और मैंने डिनर विनर कर लिया। मैंने क्लिप्स ऐड कर दी हैं क्योंकि आज हमारा त्यौहार था, मतलब तैयार है अभी भी। तो फिर उसमें हमने जो जो घर में पूरी पूरी बनती मैंने ऐड ऑन की है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि
फुल डे क्यों मनाई जाती है और जो मैंने सॉन्ग डाला है अपने क्लिप में उस सॉन्ग का मतलब क्या है। ये है पहली त्यार पंचमी को आलो लागो लो चैत फागुन जालो। इसका मतलब है कि पहला त्यार आएगा हमारा पंचमी तिथि को और फाल्गुन जाएगा और चैत का महीना आएगा। हमारे उसमें पहाड़ियों में ना प्रॉपर तिथियां होती हैं और पैट होते हैं, एक पैट दो पैट तीन पैट चार पैट ऐसे करके पैट होते हैं और तिथियां होती हैं जो कि हिंदू कैलेंडर आई थिंक गांव में हम लोग मतलब देख के और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आज हमारा ये वाला त्यौहार है या फिर हमारा कल होगा, जैसा कि यहाँ पे होता है देसियों के हिसाब से हमारा वैसे नहीं होता है। तो हमारे उसमें पैंट और तिथियों के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहला त्यौहार हमारा पंचमी तिथि को आएगा जो कि फुल डे जो हम लोग मना रहे हैं ये, और फाल्गुन जाएगा और चैत का महीना आएगा विच मीन्स मैंने बीच बीच में लाइन्स गाई हैं फुल डे छम्मा दे जदू का देला उदू का सही विच मीन्स ये हमारा ना मेनली न्यू सीजन आ रहा होता है जैसा कि मैंने आपको बताया चैत का महीना आ रहा है इसीलिए मनाया जाता है। तो न्यू फ्लावर्स आएंगे सब कुछ न्यू होगा तो इसीलिए हम लोग फूल दहलीज पे देते हैं और बोलते हैं कि जितना भी तुम दोगे उतना काफ़ी होगा। तो हमें दूसरी साइड से पैसे और चावल या फिर जो भी चॉकलेट्स होती हैं आजकल वो मिलती हैं बच्चों को और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वैसे ही मैंने सेलिब्रेट किया था। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा घर जैसे हम फूल फेंकते हैं तो उसमें हम ऐसे विशेज देते हैं उनको कि आपका घर सुख समृद्धि हर चीज़ से बिल्कुल भरपूर रहे और आप हमें जितना भी दोगे वो हमारे लिए इनफ है। चैत को मैण एक ही पैठ चेली को सुर पराण मैत फूल खाज भी टोली आली रंगीलो लागी को छो चैत। इसका मतलब ये होता है कि चैत का महीना पहला पैठ लड़की के सुर है और प्राण जो है वो मैथ में ही है मतलब मायके में ही हो रहा है। हर लड़की को अपना मायका बहुत प्यारा होता है ठीक है। तो फिर उसमें वो लड़की ना मतलब ऑब्वियसली जब तुम्हारे घर से कोई लोग आने वाले होते हैं तो फिर हम लोग का सुर वहीं पर ही रहते हैं कि ओ वो आएंगे तो फिर वैसे ही वो लड़की के सुर होते हैं कि मेरे घर वाले आएंगे। तो उसके प्राण जो होते हैं वो मैथ में ही होते हैं मतलब मायके में ही होते हैं। तो नेक्स्ट लाइन्स इस लाइन का मतलब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिटौली क्या होती है। तो फिर जो पहाड़ी होंगे उन सबको पता होगा कि बिटौली क्या होती है, बट बाकी के मेरे सब्सक्राइबर्स उनके लिए मैं समझा देती हूँ। बिटौली हमारे उसमें जैसे कि सॉन्ग में बताया गया है चैत के पहले पैठ में मनाई जाती है। बिटौली में मायके की तरफ से गिफ्ट्स आते हैं। ये होता है आपका मार्च अप्रैल का बीच का महीना, मार्च टू अप्रैल में, मिड मार्च टू अप्रैल। इसमें लड़की की तरफ से जो मायका होता है उधर से उसके लिए गिफ्ट्स आते हैं। गिफ्ट्स में होते हैं साड़ी हो गई किसी की, अगर अपने अपने हिसाब से कोई लोग पैसे भी देते हैं, फ्रूट्स आ गए, मिठाइयाँ हो गई, कपड़े हो गए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं बेटी को सपोर्ट करने के लिए। जैसे मेरी मम्मी है ठीक है, तो मेरी मम्मी को नानी की तरफ से और मामा लोग वो बिटौली हर साल भेजते हैं इस टाइम में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे मेरी शादी होगी तो मेरी मुझे भी भिटौली आएगी मेरे भाई मतलब मेरी मम्मी पापा और भाई की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको इस चीज़ में एक किस्सा बताती हूँ। पहले ज़माने में ये जो लाइन बोली गई है ना कि फूल खाज भिटौली आली रंगीलो लागी गोछो चैत, इसका मतलब ये होता है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि लड़कियों की जो शादी होती थी पहले ज़माने में उतने ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे, तो साल में एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो बार ही लड़कियां अपने मायके जाती थीं और मिलती थीं, और कई बार तो ऐसा होता था कि दो तीन साल बाद वो जाती थीं। तो पर जो बिटौली का त्यौहार होता है इसमें लड़की के मायके वाले लड़की को त्यार देने के लिए आते हैं। तो उसमें क्या होता है तो फिर वो लेकर पहले ज़माने में क्या लेकर आते थे, जो बहुत बड़ी टोकरी क्या कहते हैं उसको, टोकरी होती है ना जो उसकी बनी होती है लकड़ी की, उसमें पकौड़ियाँ बहुत सारी पूरियाँ लेकर आते थे जो पूरे गांव में बांटी जाती थी कि अच्छा ये इसके मायके की तरफ से आई हैं ऐसे करके। तो फिर तो इसीलिए वो लड़की मतलब सुर लगा के बैठी होती है कि उसके प्राण तो मायके में होते हैं कि अभी आएंगे मेरे घर वाले मेरे मायके वाले और उसके लिए भिटौली लेकर आएंगी। तो फिर इसीलिए लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, अपने मायके वालों को देखने के लिए, और उसका जो चैत का महीना होता है वो पूरा रंगीला मतलब रंगों से भर जाता है। तो इस
इसीलिए ये वाली लाइन बोली गई है, मेरे हाथ थक गए तो फिर इसीलिए ये वाली लाइन बोली गई है। और यस, सो दिस इज इट। और जो ये वाला त्यौहार होता है ये थोड़ा आपका होली, न्यू सीजन, फूल, स्प्रिंग्स, ये इन सबको दर्शाता है। तो बस यही, अब मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नीलम बोरा ब्लॉग्स। आई विल सी यू गाइस सुपर 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 सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।